देखिए इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको क्या होना, दो प्रॉब्लम होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए आपको। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, दूसरा क्या है आपका, ये अंडर रूट है। तो अंडर रूट सबसे बड़ा हर्डल होता है ना, इसको रिमूव करने की कोशिश क्या करिए। देखिए अगर 1 + 2x² को हम क्या प्लेस कर दें, टी स्क्वायर प्लेस कर दें, तो हमारा ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, उसको झेलते हैं हम लोग। तो क्या लिखे, लेट 1 + 2x² = t² तो 1 का 0, 2x² का 4x, डिफ्रेंशिएशन होगा, dx = 2t dt हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 2 2, तो कितना आ जाएगा, x dx को आप लिख सकते हो t dt, और ये 2 नीचे आएगा बाई 2। तो बड़ा सिंपल हो गया। आप क्या करोगे, dx को आप लिख के हटा दोगे t dt बाई 2, और इसको क्या लिख के हटा दोगे, t लिख के हटा दोगे, क्योंकि इसको t स्क्वायर रखोगे अंडर रूट आपका t आ जाएगा। x को क्या रखेंगे, है ना, ये प्रॉब्लम है। x dx आपका क्या है, t dt बाई 2 है। ठीक है, तो बड़ा आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। तो इंटीग्रल ऑफ, ये कन्वर्ट हो गया, ये चीज आपकी क्या हो गई, t dt बाई 2 हो गई, और ये क्या हो गया आपका, अंडर रूट टी स्क्वायर। अंडर रूट टी स्क्वायर क्या होता है, t होता है, तो ये t हो गया। 1/2 बाहर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, t into t t² हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लीजिएगा, हम इसी में लिख दे रहे हैं ना, t² dt, 1/2 बाहर हो गया आपका। टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है आपका, t³/3 होता है, है ना, और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, 2 × 3 = 6 हो गया। तो ये भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग 1/6 लिख ले रहे हैं t³। ठीक है, अब t तो डमी वेरिएबल है, t के टर्म में आंसर हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो t को क्या लिखा जाए, यहाँ देखिए t² है, तो ये स्क्वायर इधर आके 1/2 हो जाएगा, पावर मतलब अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख देते हैं इसको, तो 1/6 और 1 + 2x² की पावर 1/2 और 3 ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3/2 हो जाएगा, और प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।